बिहार सरकार के द्वारा 2021 तक प्रदेश के 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी गंभीर हैं और पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की पहल पर कार्यालयों में काम करने वालों, दुकानदारों और कामकाजी लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मॉडल टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलने वाले मॉडल टीकाकरण का उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन ने किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस टीकाकरण केंद्र पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी हर एक उम्र वालों को वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज देने की व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक और 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी उक्त अवधि में किसी भी समय जाकर टीका लगवा सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण को सबसे कारगर हथियार भी करार दिया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। हम लोगों की ये तैयारी है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है, एक वैक्सीनेशन सेंटर जिले में और जो प्रमुख स्थान पर हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक चले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। तो हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को चुना है, बिल्कुल शहर के बीच में है और ये 12 घंटे जो है सेंटर कार्यरत रहेगा। 2 शिफ्ट में कर्मियों को लगाया गया है और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी उत्साह है लोगों में। आज जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, 1 बजे तक ही लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन जिले में आज लिया है। और इससे पहले भी आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक स्पेशल अभियान चलाया था, उस दिन भी 42,000 से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन कराया था अपना। और जो ये सेंटर है, इस पर हम लोगों की विशेष तैयारी है। ये 12 घंटे कार्यरत रहेगा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, और किसी भी आयु वर्ग के, चाहे वो 18 से 44 उम्र के हों या 45 प्लस ग्रुप के हों, उनका फर्स्ट डोज लेना हो या उनका सेकेंड डोज ड्यू हो, आकर के यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं।